दोस्तों, जब से हमने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग को कवर करना शुरू किया है, आपने उन वीडियोस पर अपना काफी प्यार दिखाया है, इसीलिए हमने सोचा कि हम इसे जरा और गौर से कवर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियोस की तरह आगे भी आप वीडियोस पर अपना प्यार बरसाते रहेंगे। हम आप तक सीसीएल 2023 की पल पल की खबरें ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। जो कि दोस्तों, सीसीएल 2023 में 25 फरवरी शनिवार को डबल हेडर खेला गया था। दो मुकाबले खेले गए थे, जहां पे दिन का पहला मुकाबला यानी मैच नंबर 5 चेन्नई रिनोस और भोजपुरी दबंग्स के बीच खेला गया था, जिसे भोजपुरी दबंग्स की टीम ने 9 विकेटों से जीता। तो वहीं दूसरा मैच नंबर 6 तेलुगु वॉरियर्स और बंगाल टाइगर्स के बीच खेला गया था, जिसे तेलुगु वॉरियर्स की टीम ने 8 विकेटों से जीता। दोस्तों, ये दोनों मैच काफी रोमांचक रहे और इन दोनों मैचों के बाद पॉइंट टेबल में काफी बड़ा उलटफेर हुआ है, काफी बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पे चेन्नई राइनोस की टीम जो कि +4 के नेटरनेट के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर बनी हुई थी, भोजपुरी के खिलाफ हार के बाद वो पॉइंट टेबल में काफी नीचे खिसक गई है। तो वहीं तेलुगु वॉरियर्स ने अब तक अपने दोनों मैच जीते हैं और पॉइंट टेबल में अपना दबदबा जारी रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 25 फरवरी को खेले गए दो मुकाबलों के बाद सीसीएल 2023 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही वीडियोस आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं फटाफट से वीडियो में आगे। तो दोस्तों, लेटेस्ट पॉइंट टेबल में फिलहाल नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई है सबसे सफल टीम 3 बार की चैंपियंस टीम तेलुगु वॉरियर्स की टीम। दो मुकाबले खेले हैं, दोनों में जीत मिली है 4 पॉइंट से और 2.386 का नेटरनेट है। नंबर 2 पर पहुंच चुकी है भोजपुरी दबंग्स की टीम। दो मुकाबले खेले हैं, दोनों में जीत मिली है 4 पॉइंट से और 1.542 का नेटरनेट है। नंबर 3 पर अभी भी बनी हुई है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। एक मैच खेला है, एक मैच जीत मिली है 2 पॉइंट से और 1.461 का नेटरनेट है। उसके बाद नंबर 4 पर खिसक गई है चेन्नई राइनोस की टीम। भोजपुरी के खिलाफ हार के बाद चेन्नई राइनोस की टीम को नेटरनेट का काफी बड़ा नुकसान हुआ है, इसी वजह से वो कर्नाटका से भी नीचे खिसक गई है। जो कि चेन्नई राइनोस की टीम ने दो मुकाबले खेले हैं, एक जीता है एक हारा है, 2 पॉइंट से और 1.34 का नेटरनेट है। उसके बाद नंबर 5 पर है पंजाब देशेर। अब तक उनका खाता नहीं खुला है, एक मैच खेला है उसमें हार मिली है और नेटरनेट यहां पर -1.444 का है। नंबर 6 पर है बंगाल टाइगर्स की टीम। अब तक दो मैच खेले हैं, दोनों में करारी हार का सामना करना पड़ा है और नेटरनेट -1.611 का है। नंबर 7 पर है केरला स्ट्राइकर्स की टीम। एक मैच खेला है उसमें हार मिली है, नेटरनेट यहां पर -3.2 का है। और सबसे नीचे यहां पर नंबर 8 पर है मुंबई हीरोज की टीम -4.953 के नेटरनेट के साथ। हालांकि दोस्तों, ये पॉइंट टेबल बहुत ही जल्द बदलने वाला है, क्योंकि आज है सुपर संडे, डबल हेडर खेला जाएगा, जहां पे पहला मुकाबला केरला स्ट्राइकर्स और कर्नाटका बुलडोजर्स के बीच दोपहर को 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं मुकाबला शुरू भी हो गया होगा। तो वहीं दूसरा मुकाबला पंजाब देशेर और मुंबई हीरोज के बीच शाम को 7 बजे से शुरू हो जाएगा। दोनों मुकाबले जयपुर से लाइव हमें देखने को मिलेंगे। जो कि दोस्तों, इन दोनों मैचों के बाद आपको सीसीएल 2023 के लेटेस्ट पॉइंट टेबल की अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबरें हम वहां पर भी डालते रहते हैं। बाकी मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।